अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नासिर अलाउद्दीन और ये है मेरा चैनल वारागत। और हम अपने सफ़र पर निकल चुके हैं व्यूअर्स। अभी तक तो पता नहीं है कि कहां पे जा रहे हैं, पर हम ये है कि निकल चुके हैं और बारिश सारा रास्ता मुसलसल हो रही है और सफ़र जारी और सारी है। पिंडी के नज़दीक लग रहा है हम पहुंच गए हैं। ये है जी पिंडी का मॉल। ले जी, फाइनली हम बहरीन पहुंच गए हैं और तकरीबन सुबह बिल्कुल अंधेरा था जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे और मेरी बाइक भी पंचर हो गई है। अभी कोई वो सामने जो है ना वहाँ पे हमने जाना है बर्फ़ के अंदर। अब वो देखे कहाँ मिलती है। ये बहरीन का बाज़ार है। ये सामने दरिया है, आपको दरिया भी दिखाएंगे। ले जी, दरिया पे आ गए हम। बारिश हल्की हल्की मुसलसल हो रही है। ये अभी स्लो हुआ है दरिया, जब गर्मियाँ होती हैं तो इससे ज़्यादा पानी होता है इसमें। बहुत सुकून है इधर। ले जी, हम पहुंच गए हैं उशु कलाम फॉरेस्ट और यहाँ पे अब फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दी है क्योंकि कैंपिंग लगानी है, तो आप कैंपिंग का तरीका भी सीख लें और कैंपिंग होती भी देख लें और जल्दी जल्दी भी हो जाए। मेरी कैंपिंग क्या है, बस ये निकाला, खोला, फेंका और जनाब टेंट तैयार। ये ले जी टेंट तैयार, सामान फेंक के अंदर और जनाब ये तरपाल हमें जो है लगानी पड़ेगी क्योंकि ये सेफ्टी हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे कुकिंग एरिया भी मिल जाएगा साथ। यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है, मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा ठंड है क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी ठंड है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। ये ऊपर लगाने से जो है ना एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ दोनों हो जाता है। यहाँ पे भी इंतहा का सुकून है, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे
और ये दरख्त हैं बहुत सारे, आपस में बातें कर रहे हैं। आज का सफ़र काफ़ी भीगा सफ़र रहा है, सारा रास्ता बारिश रही है और सारी रात में सफ़र में रहा हूँ, उसकी वजह से अब इधर मैंने कहा यहाँ पे स्टॉप कर लें, आगे बर्फ़ का पता नहीं क्या हाल होगा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि भैया बर्फ़ के लिए बर्फ़ वाले सारा सामान होना चाहिए आपके पास, फिर ही आप बर्फ़ में सर्वाइव कर सकते हो। ये छह रस्सियाँ बांधने में लगता मुद्दत गुजर जानी है, जितना मैं थका हूँ ये छह रस्सियाँ मुझे अजाब लग रही है। लहजी कैंप लग गया, अब आपको इर्द-गिर्द का नजारा दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, मैं भी पानी गर्म हो गया, कॉफी बना के पिए, सबसे पहला काम करें। कहीं भी पहुंच के सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि कॉफ़ी बना के तो पीऊँ, फिर मैं थोड़ी होश पकड़ूँ, फिर मैं इर्द गिर्द देखूँ कि क्या हो रहा है। बारिश मुसलसल होती जा रही है, कॉफी तैयार हमारी, हमने कौन सी चीनी डालनी है, कौन सा दूध डालना है। जंगल है जी उशु का, और यहाँ का ये नज़ारा है, बारिश मुसलसल हो रही है, ये दस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना बचत है यहाँ। Thank you.
मैदानी इलाकों के लोगों को पहाड़ों में आके सबसे ज़्यादा ये ऊपर उतरना चढ़ना जो है ना, ये जो है मार जाता है। मैंने यहाँ पे बुजुर्गों को देखा है जो बिल्कुल झुके हुए हैं, मगर वो पहाड़ों पे हमसे ज़्यादा तेज़ चढ़ जाते हैं। ये हमारा पोर्टेबल कैंप। ये बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई है भाई, बड़े नसीब है मेरे। बारिश में हल्की हल्की बर्फ जो आ रही है, नज़ारा बदलना शुरू हो गया। ले बर्फ के गोले आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने शुरू हो गए हैं और बारिश हल्की होनी शुरू हो गई, और इन दरख्तों में ये नज़ारा बहुत मज़ेदार नज़ारा है। अल्लाह अकबर। देखें जी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी तेज़ होनी शुरू हो गई है, नज़ारा बदलना शुरू हो गया। मुझे ये भी पता है कि मेरे पास यहाँ से बचने के लिए, बर्फ़ से बचने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, और मैं इंतहा का एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त नज़ारा है, कमाल हो गया ट्रिप, ज़बरदस्त ट्रिप हो गया, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो जो ट्रिप कर रहा उसको कमाल का ट्रिप कर दिया, क्योंकि स्नो फॉलिंग तो लोगों का ख्वाब है, और वो भी ऐसी जगह में, और मेरा कैंप लगा हुआ है। क्या नज़ारा है जनाब, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और मैं इसमें गुम हो गया हूँ। शायद कहीं पे हूँ पर गुम हो गया। Thank you.
कुदरत के इतने रंग हैं कि सारी जिंदगी इंसान रंग देखता रहे तो रंग खत्म नहीं होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। मेरे साथ रहेंगे तो ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बातें मुझे पूरी पूरी आती हैं, आप नज़ारा देखें, मैं ज़रा पैकिंग कर लूं, क्योंकि पैकिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। कैसा फील हो रहा है आंखों को? सुकून है कि नहीं है इस नज़ारे में? इसको गौर से देखें थोड़ी देर तो आपके दिमाग में सुकून पैदा हो जाएगा। ले जी, फुल स्पीड हो गई है। आसमान से रुई गिर रही है। सुभान। ये जी वापस जाते हुए रास्ता है और अब हम वापस जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम ऐसे ही आपको नए नए अछूते मंजर दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सुभान।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।